हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। आरपीएफ की वैकेंसी आउट हो चुकी है दोस्तों। आरपीएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो दोस्तों। देख लीजिए जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सी एन नंबर RPF 01/2024 एंड OBLIC 02/2024 दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ऑफिशियली आउट हो चुका है नोटिस। देख लीजिए दोस्तों, आगे दिया गया रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी RPSF। अब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है और कैसे कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास वो है अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। RPF 01/2024 सब इंस्पेक्टर में दोस्तों 15/4 से ऑनलाइन होंगे, 14/5 तक ऑनलाइन होगी RPF कॉन्स्टेबल में। आगे देख लीजिए दोस्तों, जो कि इसमें दिया गया सब इंस्पेक्टर की Level 6 की वैकेंसी और ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, यानी कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 35,400 प्लस इसकी बेसिक रहती है। B1 मेडिकल मांगा जाता है 20 से 28, और जो दोस्तों 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 20 से 25 साल की एज थी, क्योंकि दोस्तों इस बार 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है COVID-19 की वजह से। 452 पोस्ट हैं और ये देख लीजिए कॉन्स्टेबल में दोस्त लीजिए 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास खास से भी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई से भी बोर्ड से, 21,700 बेसिक रहता है। B1 मेडिकल और 18 से 28 एज और 4208 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी दोस्तों 4660 हो रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन में आपके पास अगर अपेयरिंग में हो, यानी कि आपकी लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर की आपने एग्जाम दे दी, तो क्या आप RPFSI का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये जो डेट है 15/4, यानी दोस्तों ये 15/14/2024 इस डेट से पहले अगर आपके पास पूर्णतः डिग्री हाथ में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बल्कि दोस्तों फॉर्म लगा दे हुए अगर वो बाद में आपका रिजेक्ट हो जाएगा उससे कोई मतलब, जब भी इसके लिए एलिजिबल हो आपके पास इस डेट से पहले अगर डिग्री हाथ में है तो। वैसे ही दोस्तों अगर आप 10th की अपेयरिंग कर रहे हो, 10th में अभी पढ़ रहे हो और आपकी एज 18 से 28 है और आप 10th की एग्ज़ाम देने के बाद आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फॉर्म लगाने की सोच रहे हो, तो दोस्तों बिल्कुल ही गलती मत करना, क्योंकि जो इन्होंने साफ साफ 2018 की नोटिस में मेंशन कर रखा था वही इस बार मेंशन करेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपके हाथ में डिग्री एंड मार्कशीट है तो ही आप इसका फॉर्म लगाइएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात कि आपके हाथ में अगर डिग्री है तो आप इसका फॉर्म लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा। तो दोस्तों एक और बात होगी कि क्या सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल का फॉर्म एक साथ एक कैंडिडेट लगा सकता है? जी हाँ, एक कैंडिडेट लगा सकता है सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल का फॉर्म, दोनों फॉर्म आप ढाल सकते हो और दोनों फॉर्मों के लिए आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, यानी दोनों फॉर्मों के लिए आपको अलग अलग पैसे पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ी एज की बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए दोस्तों जो ये एज है जनरल के लिए है, यानी UR के लिए है, तो दोस्तों SC में 3 साल की, यानी OBC में दोस्तों इसको 3 साल की छूट यानी 20 से 31 तक हो जाएगी एंड SC और ST में दोस्तों ये 20 से 33 तक हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 28 है, तो OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है यानी 31 तक हो जाएगी और SC और ST के लिए दोस्तों ये 33 ईयर हो जाएगी, यानी 33 साल तक का बंदा इसमें फॉर्म लगा सकता है। और मेडिकल हिस्ट्री यानी दोस्तों इसकी अगर उसकी बात करें, यानी कि फिजिकल की बात करें, तो दोस्तों इसमें कुछ यानी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन में आपको पहले बता दिया जो ये चीज़ें आपके हाथ में अगर डिग्री है तो ही आप इसका फॉर्म भरिएगा, नहीं तो भरिएगा। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों सिलेबस में क्या रहने वाला है। दोस्तों इसमें सिलेबस में आता है मैथ GK GS एंड रीजनिंग। तो दोस्तों इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं और GK के कितने क्वेश्चन हैं? दोस्तों मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं एंड GK GS के दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 120 नंबर का पेपर आता है दोस्तों और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको, यानी 120 नंबर का पेपर में 1.5 घंटे का टाइम होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके सिलेबस की क्राइटेरिया है मैथ GK GS एंड रीजनिंग के। तो यही दोस्तों SI का सिलेबस है एंड यही दोस्तों सब इंस्पेक्टर का सिलेबस, दोनों SI एंड कॉन्स्टेबल दोनों का सिलेबस यही है, सेम ये सिलेबस रहने वाला है, यानी मैथ रीजनिंग एंड GK GS। दोस्तों देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और हम हमारे इस चैनल पे इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सब का आपको निचोड़ करवा देंगे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे पेपर आपको इसी चैनल पर हो जाएंगे आपके कवर, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिएगा।
दोस्तों क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, इन्होंने यहाँ भी मेंशन करा कर देख लीजिए, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन देखें यहाँ मेंशन करा, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रोसाइड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन नॉट अप्लाई देख लीजिए दोस्तों, नॉट अप्लाई, अगर जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपके पास पूर्णतः क्वालिफिकेशन है तभी आप इसका फॉर्म भरिएगा, नहीं तो 250 रुपये और 500 रुपये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप क्या आप उन्हें ये देखिएगा दोस्तों, अगर आपने फॉर्म लगा दिया, फॉर्म लगाने के बाद आप सोचते होंगे 500 और 250 रुपये फीस है, क्या ये रिफंडेबल है, तो दोस्तों देखिएगा इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैटेगरी एंड मेंटेनेंस बिलोंग एंड सिंह ये देख लीजिए, आउट ऑफ दिस फीस यानी 500 रुपये एंड अमाउंट 400 रुपये शुल बी रिफंड डेली और डील के बैंक यानी CBT के पास आपको UR के 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, SC और ST के लिए 240 रुपये CBT के पास वापस रिफंड हो जाते हैं दोस्तों, APSC रिफंड हो जाते हैं यानी कि इसमें से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और दोस्तों जी हाँ, आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर कवर करना चाहते हैं, पूरे पेपर आप हल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यानी टेलीग्राम KDM19 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरे पेपरों की PDF मिल जाएगी, एक एक पेपर हम जो हल कराएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बैठेगा, वीडियो को पूरा देखेगा एंड अंत तक देखेगा। अब दोस्तों आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि अगर आपके पास ITI है, ITI प्लस 10th पास हो, ITI प्लस ग्रेजुएशन हो दोस्तों आपको, और डिप्लोमा कर लेते हैं बाद डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन हो, तो क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ओनली 10th पास है एंड इधर SI में ग्रेजुएशन एंड कॉन्स्टेबल में ओनली 10th पास, SI में ग्रेजुएशन। लेकिन दोस्तों कंडीशन यही है कि आपकी डिग्री पूर्णतः आपके हाथ में होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो भी है आप पूर्णतः, ये जो डेट दे रखी है दोस्तों, ये जो डेट दे रखी है 15/5/2024 से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते। लगाने से भी कोई मतलब दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, अंत तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। और टेस्ट के लिए आपको हम बता दिए, पूरे जो भी पेपर इसके 2018 में वैकेंसी आई थी, वो सारे पेपर हम आपको हमारे इसी चैनल पे हल करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा।